आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में ये दूसरा चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर कंपेयर किया जाए बाकी के सभी चैप्टरों में, तो इस चैप्टर में थोड़ी सी कठिनाई ज़्यादा महसूस होती है बच्चों को। ठीक है, तो ओवरऑल देखने की बात यह है कि ये चैप्टर बाकी के चैप्टरों से थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ड वाले प्रॉब्लम आते हैं, सेंटेंस वाले प्रॉब्लम, और उससे हमको इक्वेशन बनाने पड़ते हैं और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल डीप में जा कर के बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को समझें, ताकि आगे जब इसके वर्ड प्रॉब्लम आएँ और डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस जब आपको इस चैप्टर में मिलें, तो आपको फिर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप बहुत आसानी से उनके सवाल बहुत आसानी से बना लें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलते जाएं, आप सीरीज़ के हिसाब से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, जितने लेक्चर इसके बने, आप बिल्कुल सीरीज़ के हिसाब से उसको देखते जाइए। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद एग्जांपल प्रॉब्लम्स। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके नाम से। हमारे चैप्टर का नाम देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, हमने ये चैप्टर क्यों बनाया है और इससे किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब ये होगा कि जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कोई दो चीज़ें अननोन हो, कोई दो चीज़ें पूछी जाएं, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाएं, दो चीज़ें पूछी जाएं, तो दो चीज़ें जब पूछी जाएंगी तो हमको दो जवाब देने पड़ेंगे, पहला जवाब दूसरा जवाब। तो दो अननोन चीज़ें जब पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग टू वेरिएबल का हेल्प लेते हैं। दो वेरिएबल, वेरिएबल शब्द बहुत पॉपुलर है, आपने जूनियर क्लासेस से इसके बारे में सुन रखा है और पढ़ा भी है, पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पहला पढ़ ही लिया है, तो उसमें भी आप वेरिएबल के मीनिंग समझ चुके हैं। वेरिएबल कहते हैं अननोन क्वांटिटी को। हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक को x, एक को y, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई या वाई जेड या ए बी सी डी, कोई भी दो चीज़, दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेंगे। और किस लिए इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हमको दो अननोन क्वांटिटी जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो पता लग जाए। ठीक है, तो दो वेरिएबल से बना हुआ एक इक्वेशन, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और मेरा ख्याल है लीनियर भी आपने चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल में पढ़ लिया है कि लीनियर किसको बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हमारे पास अगर एक मैथ्स का एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल का पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, कोई 2 वाला पावर आपको ना दिखे, कोई 3 वाला पावर ना दिखे, कोई 4 वाला पावर ना दिखे, सिर्फ 1 पावर वाले वेरिएबल अगर हों, तो ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। थोड़ा सा याद करिए, जब हम लोग पॉलिनोमियल का नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर, तो मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह से नाम रखते हैं पॉलिनोमियल के, एक पावर के बेसिस पर और दूसरा उसमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। तो जब हम पावर के बेसिस पर नाम रखते हैं, तो उसमें पहला नाम लीनियर आता है। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया जितने वेरिएबल हैं एक्सप्रेशन में, हर एक वेरिएबल का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 अगर हो किसी वेरिएबल का, तो ऐसा एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है, और अगर वो इक्वेशन हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर, यहाँ तक आपको थोड़ी सी बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो आंसर है ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हों, दो अननोन क्वांटिटी हों, दो सवाल हों, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको दो वेरिएबल इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, दो अननोन क्वांटिटी माननी पड़ेगी, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम इस चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे। अब लीनियर का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल दो इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक्स और वाई, जिनका पावर 1 1 होगा, लीनियर होगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसके इक्वेशंस हमको कैसे दिखेंगे, उसका रूप रंग कैसा होगा, उसका जनरल फॉर्म कैसा होगा। मगर फिर थोड़ा सा आपको मैं और एक बात याद दिलाऊं,
आपने क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 5 या 6 जो भी रहा हो, 4 या 5, आपने एक चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास नाइन्थ अभी आप जो पास करके आ रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 5 या 4 में कोई एक चैप्टर है, मुझे याद है शायद 5 है। तो पाँचवें चैप्टर में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें ऐसे प्रॉब्लम आते थे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करके हम उसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये जस्ट उसी का एक एडवांस वर्जन है जिसमें अब इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे जिसमें दो क्वांटिटी पूछी जाएगी, दो प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक वेरिएबल से सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमको यहाँ पर दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे, दो अननोन क्वांटिटी के लिए, और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो आपने क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, वन वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता है उसमें एक ही इक्वेशन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर टू वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ दो इक्वेशन बनाएंगे, दो। अब थोड़ा सा देखिए इसका जनरल नोटेशन कैसा है, जनरल फॉर्म कैसा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये हमारा जनरल नोटेशन है, जनरल फार्मूला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक्सप्रेस करने का। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमको दो इक्वेशन लगेंगे क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला ये और दूसरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला ये, इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उसको थोड़ा सा पहचान लीजिए। देखिए इसको पहले आपको देख के पहचानना है ना, यहाँ देखिए दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, ये क्या होंगे? तो आंसर है ये दो अननोन क्वांटिटी होंगे, दो अननोन वेरिएबल हैं। एक्स और वाई क्या हैं? वेरिएबल। मैं आपको समझाता हूँ आगे एग्जांपल से। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसका नॉमनक्लेचर देखिए, ये सब क्या चीज़ है ना। तो इसमें वेयर पहली चीज़ देखो ना, इसमें एक्स हो वाई हो इसको क्या पढ़ना है? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, जो अननोन क्वांटिटी है, जो पता नहीं है, उसको हम लोग एक्स और वाई से मानेंगे कि ये चीज़ एक्स है, वो चीज़ वाई है, ये इतना एक्स है, ये उतना वाई है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। इसका ही आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें अगली चीज़ देखिए, इसमें अगली चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है C1 और C2, ठीक है। पहले इक्वेशन में C1, दूसरे इक्वेशन में C2, ये क्या चीज़ है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। मैं अभी सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कोई नंबर जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो 4 तो हमेशा 4 ही रहेगा, कभी भी वो 3 नहीं हो जाएगा, कभी भी वो 9 नहीं बनेगा। 5 हमेशा 5 रहेगा, कभी भी वो 9 नहीं बनेगा, कभी भी वो 12 नहीं बनेगा। नंबर एक ऐसा नंबर जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, ना एक्स हो ना वाई हो, कोई वेरिएबल ना हो, बिना वेरिएबल वाला नंबर क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो ऐसे नंबर जब हमको मिलेंगे यहाँ पर, उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। आप यहाँ देखिए A1, B1, A2, B2, A1 एक्स के साथ लगा हुआ है, B1 वाई के साथ लगा हुआ है, A2 एक्स के साथ लगा है, B2 वाई के साथ लगा है। कहने का मतलब A1 के साथ वेरिएबल है, B1 के साथ भी वेरिएबल है, A2 के साथ भी वेरिएबल है, B2 के साथ भी वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर, ये भी नंबर होंगे, एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ में लगा हो, वेरिएबल के पहले या वेरिएबल के बाद, हालांकि ज़्यादातर हम पहले ही लिखते हैं। तो नंबर जो वेरिएबल के साथ में होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, यानी इस वेरिएबल का ये नंबर कोएफिशिएंट कहलाता है, कोएफिशिएंट। तो तीसरी चीज़ जो इसमें आपको याद रखनी है, ये A1, B1, A2, B2, इसको हम लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। कोएफिशिएंट, ये नाम आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर, उसका कोएफिशिएंट साथ ही, ठीक है। अब ये सब के सब कोई ना कोई नंबर होंगे, ये भी नंबर होगा, C1 C2 भी नंबर होगा, A1 B1 A2 B2 भी कोई ना कोई नंबर होंगे। ये नंबर प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, ये नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं, ये नंबर स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट के नंबर हो सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, यानी एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रियल नंबर, ठीक है। रेशनल, इरेशनल सभी चीज़ें, तो ये दोनों
किस टाइप के नंबर होंगे, तो आप इसको याद रखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर में सभी पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाले, बिना रूट वाले, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, हर तरह के नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये किसी भी तरह के नंबर हो सकते हैं, ठीक बात। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अच्छा, अब आप देखिए बोर्ड पर मैंने इसको लिखा है, इसके बाद ये भी लिखा है, तो आपको समझाने के लिए कि कभी कभी हम ऐसा लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कभी कभी ऐसा लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। एक ही चीज़ कैसे हो गई, आप तो कहोगे यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वहाँ तो कोई माइनस साइन नहीं लगाया आपने, यहाँ पर ये प्लस है, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, वहाँ कोई माइनस साइन नहीं लगाया आपने। तो प्लस और माइनस का खेल नहीं है, खेल इस बात का है कि देखिए ये कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में इक्वल के इस पार होने चाहिए या इक्वल के उस पार होने चाहिए, दोनों एक ही साइड होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। C1 C2 को चाहो तो आप उस तरफ रखो, चाहे ये प्लस में हो या माइनस में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में हो या माइनस में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, शर्त सिर्फ इस चीज़ की है कि दोनों इकट्ठे उस तरफ होने चाहिए तो काम चल जाएगा, या दोनों इकट्ठे इस तरफ होने चाहिए तो काम चल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि C1 को इधर रख लिए, C2 को उस पार भेज दिए, तो एक इक्वल के इस पार हो जाएगा, एक इक्वल के उस पार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। C1 को उस पार भेज दिए, C2 को इस पार रख दिए, ऐसा नहीं करना है। दोनों कांस्टेंट टर्म एक ही तरफ होने चाहिए, या तो इक्वल के इस पार हों या इक्वल के उस पार हों, ये बात का आपको ख्याल रखना है। और हम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये दोनों हमारे जनरल नोटेशन है, हम चाहें तो ये लिख लें, हम चाहें तो ये लिख लें, किसी भी रूप में बनाएं, ये हम सॉल्व कर लिया करेंगे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब फिर से ये दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, कैसे आएंगे, तो ये दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, याद रखिए कोई क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हमको दो सिचुएशन दी जाएगी, दो सिचुएशन या दो कंडीशन दी जाएगी, जिसमें पहले कंडीशन को आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और पहले कंडीशन को देखते हुए पहला इक्वेशन बनाएंगे जिसमें दो अननोन क्वांटिटी पूछी गई होगी या बताई गई होगी, दो चीज़ें बताई गई होंगी या पूछी गई होंगी, उसकी हेल्प से आप पहला इक्वेशन बनाएंगे। फिर इसी तरह दूसरा कंडीशन आएगा, उसमें भी दो चीज़ें रिलेट होंगी आपस में, तो उसकी हेल्प से आप दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे और दो चीज़ें पूछी जाएंगी, दो अननोन क्वांटिटी, उसको हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन आगे आएगा हमारे एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, आपने क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, यहाँ पर भी आएंगे और उससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एज से रिलेटेड, ठीक है। मान लो एक फादर है, एक सन है या डॉटर, बाप बेटा ऐसे समझ लो, ठीक है। हमको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बताओ फादर का प्रेजेंट एज कितना है, सन का प्रेजेंट एज कितना है, यानी आज का, आज के दौर में, आज के दिन फादर और सन का प्रेजेंट एज, आज का उम्र कितना है, दोनों का उम्र कितना कितना है प्रेजेंट टाइम में। तो दो चीज़ें पूछा, एक तो फादर की एज पूछा, एक बेटे की एज पूछा, तो दो क्वांटिटी पूछा ना, तो हमको दो वेरिएबल इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा हमने, टू वेरिएबल, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि फादर की एज एक्स ईयर है और सन की एज वाई ईयर है, तो एक्स और वाई दो अननोन क्वांटिटी आ गई। एक्स किसको दिखाता है, फादर के प्रेजेंट एज को, वाई किसको दिखाता है, सन के प्रेजेंट एज को, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए। अब ये तो क्वेश्चन है कि फादर का प्रेजेंट एज क्या है, सन का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, यही उसका आंसर होगा। लेकिन दो चीज़ें सॉल्व करने के लिए वो दो कंडीशन देगा, क्वेश्चन दो कंडीशन बताएगा। दो कंडीशन क्यों बताएगा, ताकि पहले कंडीशन को पढ़ करके आप पहला इक्वेशन बना लें और दूसरे कंडीशन को पढ़ करके दूसरा इक्वेशन बना लें। जब दो इक्वेशन होंगे तब दो क्वांटिटी निकल के आएंगी, तभी दो वेरिएबल सॉल्व होंगे। याद रखिएगा जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतने इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ एक्स होता, सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी होती, एक वेरिएबल होता, तो एक वेरिएबल या एक अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते, आंसर है एक। अगर दो अननोन क्वांटिटी आ गई एक्स और वाई, तो फिर एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे, दो इक्वेशन लगेंगे। अगर तीन अननोन क्वांटिटी आती एक्स वाई जेड, तो इनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते, तीन इक्वेशन लगते, और तीन इक्वेशन बनाने के लिए कितनी कंडीशन देनी पड़ती, तीन कंडीशन देनी पड़ती, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको याद रखेंगे, ठीक। अब हम आगे इसको लेते हैं कि सिचुएशन से कैसे इक्वेशन बनता है।
तो दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर मैंने अभी फादर और सन का एज आपको बताया, एक्स और वाई मान लेते हैं प्रेजेंट एज। पहला सिचुएशन आएगा कि फादर बोलता है आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 3 गुना थी, 3 टाइम, ठीक है। आज नहीं, आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 3 टाइम्स थी, तो ये एक सिचुएशन हो गया, ठीक है। तो आज फादर की उम्र कितनी है, एक्स ईयर, बेटे की उम्र कितनी, वाई ईयर। आज से 5 साल पहले चलो तो कितना हो जाएगा, 5 साल कम होगा दोनों की उम्र में, एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फाइव, दोनों की उम्र 5 साल कम कर दिए तो हम आज से 5 साल पहले चले गए। अब सिचुएशन ये बोलता है कि 5 साल पहले फादर की एज बेटे की एज से 3 टाइम्स थी, 3 गुना ज़्यादा थी, तो फिर हम दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बना लेंगे, इससे हमको पहला इक्वेशन मिलेगा। अब ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा इसको देखने के लिए आपको आगे के लेक्चर देखने पड़ेंगे, जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। बात कर रहे थे कंडीशंस की, तो एक कंडीशन दिया हुआ है तो हम उससे एक इक्वेशन बना लेंगे, दूसरा कंडीशन होगा तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसी तरह से हम दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन होंगे, अब उसको चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन इक्वेशन को कहते क्या हैं, ठीक है ना। देखो एक इक्वेशन होता तो वो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता, लेकिन ये तो दो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आंसर है याद रखिएगा, दो इक्वेशन को हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम, सिस्टम मीनिंग क्या, देर इज मोर देन वन इक्वेशन, एक से ज़्यादा इक्वेशन जब होगा देन वी विल कॉल इट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, ओके। तो इसका नामकरण आप पहले नोट कर लीजिए कि ऐसे इक्वेशन क्या कहलाते हैं, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये नाम हो गया, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन अगर इन्वॉल्व हैं तो उसको हम लोग सिर्फ इक्वेशन नहीं कहेंगे बल्कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा पढ़ेंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। अच्छा, मैं जो सिचुएशन की बात कर रहा था कि मान लो फादर और सन के एज की बात हो रही है, आज से 5 साल पहले फादर ने कहा कि मेरी एज मेरे सन की एज से 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा है। दूसरा सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि आज से 10 साल के बाद मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र के 2x हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। तो एक सिचुएशन कौन सी हमने आपको बताई, आज से 5 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी, और दूसरी सिचुएशन आज से 10 साल के बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। ये दो सिचुएशन हो गई, दोनों सिचुएशन एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो क्वेश्चन तो यही है, बेसिक क्वेश्चन कि फादर और सन का प्रेजेंट एज बताओ। इसी एक क्वेश्चन के लिए हम आपको दो सिचुएशन बता रहे हैं, एक सिचुएशन 5 साल पहले की है, एक सिचुएशन 5 साल 10 साल बाद की है। तो 5 साल पहले वाली सिचुएशन के लिए एक इक्वेशन आप बनाएंगे और 10 साल बाद वाली सिचुएशन के लिए भी एक इक्वेशन बनाएंगे, तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, एक सिचुएशन एंड दूसरा सिचुएशन, दो सिचुएशन आ गई, दोनों सिचुएशन दोनों कंडीशन को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड वर्ड और शब्द जो है एंड, ये दोनों सिचुएशन को जोड़ता है। तो जब दो कंडीशन से दो इक्वेशन बने और दोनों इक्वेशन एक दूसरे से जुड़े हों एंड शब्द का यूज करके, देन वी विल कॉल इट सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम और क्या पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर शब्द तो आप सब समझ रहे हैं, ठीक, ये नाम आप याद रखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सो आंसर इज व्हेन एवर टू इक्वेशंस आर रिलेटेड बाय द वर्ड एंड, एंड ए एन डी एंड शब्द से अगर कोई दो इक्वेशन आपस में जुड़े हों, बीच में एंड लगता हो, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन फॉर वन कंडीशन और फॉर वन सॉल्यूशन, देयरफॉर सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, ओके। तो ये इसका नाम हो गया,
आगे जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैं जगह जगह कभी पूरे सेट को सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहूँगा, कभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ूंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसी इक्वेशन का नाम हमने रखा है। कभी हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, और कभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन कह दिया करेंगे, तो उसमें आप बुरा नहीं मानेंगे और आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब अगली चीज़ सुनिए, ये तो हो गया इक्वेशन की बात, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस चैप्टर में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हम चार मेथड सिखाएंगे, चार, ठीक है। सो इसको नोट करेंगे आप लोग सब, हाँ, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए हम चार मेथड आपको सिखाएंगे और चार मेथड को हमने क्लासिफाई कर लिया है, क्लासिफिकेशन बना दिया है। तो पहले तरह का हमारा जो मेथड होगा सॉल्व करने का, उस मेथड को हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। पहले मेथड को हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो हमारा मेथड होगा सॉल्व करने का, उस मेथड को हम बोलेंगे अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। नाम याद रखेंगे, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड मेथड है इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये दो मेथड हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को हम फिर से तीन कैटेगरी में बांटेंगे, तीन कैटेगरी। पहली कैटेगरी होगी हमारी, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी होगी हमारी, इसका हमने नाम रखा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जिसमें से ये दो मेथड हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड की पाठ्यक्रम पुस्तक में दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आपकी बुक में उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सीखना नहीं है। मैं आपको ये मेथड भी सिखाऊंगा, और अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में इस मेथड का यूज़ करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि ये मेथड इसी चैप्टर का एक हिस्सा है। इसको हमारी बुक में, मैथमेटिक्स की बुक में होना चाहिए, किसी वजह से राइटर ने इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये मेथड सीखना नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि इस मेथड से हम लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेथड इतना इम्पॉर्टेंट है, इस मेथड के जो रिज़ल्ट आता है, इस मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को पकड़ करके हम कुछ सिचुएशन बनाते हैं कि कोई दिया हुआ लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सॉल्व होगा कि नहीं, तो उसका कोई जवाब होगा, या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर सॉल्व होगा तो बताओ कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एक सॉल्यूशन निकलेगा, दो सॉल्यूशन निकलेगा, चार निकलेगा, 50 निकलेंगे, 100 निकलेंगे, कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। तो इन सब बातों का जवाब हमको इस मेथड के रिज़ल्ट से मिलता है, तो रिज़ल्ट पकड़ के आप यूज़ कर ले रहे हो। आगे आप देखेंगे ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 3 में इसी के क्वेश्चन आएंगे जो अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो रिज़ल्ट पकड़ के हमने पूरी एक्सरसाइज बना रखी है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज नंबर 3, लेकिन वो रिज़ल्ट जिसका है उसको हम नहीं पढ़ते इस चैप्टर में। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, भले आपके स्कूल में आपके टीचर आपको ना पढ़ाते हों, लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये ज़रूर पढ़ाऊँगा। हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, और हम ये देखेंगे कि इसके डेरिवेशन से जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट से कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है, किसी का नहीं निकलता, निकलता है तो कितना निकलता है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो मेथड हैं। अगर आपको ज़्यादा बोझ महसूस होता है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं,
आप सिर्फ ये दो मेथड सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, पूरे चैप्टर में आप अच्छे मार्क्स लेके निकलेंगे, जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, वो तीन मेथड अल्जेब्रिक मेथड कहलाएंगे। एक मेथड हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे ग्राफिकल मेथड, और ये ग्राफिकल मेथड ही है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और इसके लिए आपको ग्राफ पेपर यूज करना है, ठीक है। और हमारा पहला एक्सरसाइज जो होगा वो इसी मेथड से स्टार्ट होगा, याद रखिए। तो पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो हम इंट्रोडक्शन लेंगे और पहला एक्सरसाइज बनाएंगे या उससे पहले की एग्जांपल बनाएंगे, एक्सरसाइज में तो ग्राफ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ को देख करके आपको बताना है किसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा या कैसा सॉल्यूशन होगा। लेकिन पहले एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, ये तीन एग्जांपल 5, 6, 7 आपको ग्राफ कॉपी में बनानी है। तो इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी लेनी है, तो आप छोटा सा पतला सा 10 रुपये वाला 2, 4, 5 पन्नों वाला ग्राफ पेपर, ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए और उसमें ये तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम्पल 5, 6, 7। आठवां एग्जाम्पल जो आएगा उसमें भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा बुक में, आप ग्राफ देख करके बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओके। तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बच्चों याद रखना हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एक अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड हम लोग डिटेल से करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो एग्जांपल स्टार्ट होंगे, एग्जांपल नंबर 9 से लेके आगे, वो पूरा इन तीनों मेथड पर ही बेस्ड होंगे, याद रखना। एग्जांपल नंबर 9 से आगे पूरे एग्जांपल, एक्सरसाइज नंबर 2 उसके बाद के एग्जांपल, फिर एक्सरसाइज नंबर 3 उसके बाद की एग्जांपल, वो पूरे इस मेथड पर डिपेंड करते हैं। तो सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 और उससे पहले जो एग्जांपल हैं उनके लिए हम लोग ये मेथड डिस्कस करेंगे और इससे हमको आगे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल है मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस पर कैसे काम करेंगे। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे एग्जांपल के, तो उसमें हम आपको डिटेल से समझाएंगे, फिर आप एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ग्राफिकल मेथड का कि इस पर काम कैसे करना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात देखिए, ग्राफिकल मेथड में हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में आप चित्र बनाते हैं, चित्र कैसा बनेगा, ड्राइंग कैसी बनेगी, तो आंसर है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये होगा इक्वेशन, तो ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है। और आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो आंसर याद रखेंगे हर तरह के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनाना है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब है इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमको इसमें कितने स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, दो। क्यों दो, क्योंकि दो इक्वेशन होते हैं तो दो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी। अब वो स्ट्रेट लाइन कभी हम देखेंगे एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कभी हम देखेंगे एक दूसरे से पैरेलल हो जा रही हैं, और कभी हम देखेंगे एक के ऊपर एक आ जा रही हैं, इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट हो जा रही हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन तीन तरह की बिहेवियर हमको दिखाएंगे और यही तीन तरह के सॉल्यूशन हमको मिलेंगे और यही तीन तरह के ग्राफ हमको अपने ग्राफ पेपर में बनाने हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर रहा हूँ। पहले तरह का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, आप लोग सबको पता है कि आप एक्स वाई एक्सिस बनाते हो, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जीरो ओरिजिन बनाते हो ग्राफ पेपर में ऐसा। पहले तरह का ग्राफ हम देखेंगे, दो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये एक दूसरे को काटती हैं, ये है कटने वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये ग्राफ बनने के बाद कैसा दिखेगा। ये पहली इक्वेशन का, पहले इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, ये दूसरे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, दोनों एक जगह पर कटे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कटने वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरी तरह का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ मैं।
दूसरी तरह का हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा दिखता है। तो देखिए दूसरा वाला ग्राफ हमको कैसा दिखेगा। तो आंसर है, एक ग्राफ मान लो ऐसा चला गया, दूसरा ऐसा चला गया। ये तो एक्स वाई एक्सिस हो गई, एक्स वाई, ये ओरिजिन, ये है पहले इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, ये दूसरे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल दिख रहा है आपको। अब पैरेलल में ऐसे बनाता कैसे भी बनाता, दो लाइन तो पैरेलल ही होती, सो दिस इज पैरेलल लाइन। तो दूसरी तरह का ग्राफ हमको ऐसा दिखेगा। और तीसरी तरह का ग्राफ, फिर से मैं एक्सिस बनाता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तीसरी तरह का ग्राफ जो है वो कैसा दिखेगा, देखो ये है स्ट्रेट लाइन, ये पहली लाइन हो गई और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन आ गई, एक के ऊपर एक आ गई, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो एक के ऊपर एक आ जाए इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक आ जाना, ठीक है। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ठीक। तो तीन तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलेंगे या हमको बनाने हैं या हमको प्रैक्टिस करने हैं। पहले तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी किसी एक पॉइंट पर। दूसरी तरह का ग्राफ हम बनाएंगे जिसमें दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तीसरी तरह का ग्राफ हम बनाएंगे जिसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है और एक ही लाइन दिखती है, दो नहीं दिखती, ठीक है। तो ये तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे, समझ आया यहाँ तक। अच्छा फिर से एक चीज़ और, जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगी, ठीक है, जिस पॉइंट पर काटेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यानी आंसर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये देखो ऐसे एक्स की वैल्यू इधर बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे वाई 1 2 3 4 5 6 बढ़ता है। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मान लो ये है 4 1 2 3 4, ये इसकी हाइट 4 है, तो एक्स एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4। उसके बाद वाई देखेंगे 1 2 3 4, ये देखो ये 4 पर कटा, दिस इज 4, ऐसे कॉमा लगा के लिख देंगे 4 कॉमा 4, ये हो गई एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू। यानी यहाँ से इधर का डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है ये इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इस तरफ, तो हम देखेंगे यहाँ से ये 4 डिस्टेंस पर है, एक्स की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ इस पॉइंट का इस लाइन से हाइट कितना है, ये वाई की वैल्यू है, तो हमने देखा हाइट भी कितनी है 4, तो वाई की वैल्यू 4 हो गई, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यही सॉल्यूशन है। फिर से थोड़ा सा अभी ब्रीफ में समझिए, आगे हम डिटेल से करेंगे। जब भी दो लाइन कटेंगी तभी इन दोनों इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और कितना सॉल्यूशन निकलेगा, तो आंसर है कितनी जगह कटा है, एक जगह, एक कॉमन पॉइंट है, तो एक कॉमन पॉइंट, एक जगह कटा, एक सॉल्यूशन, यानी एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू। तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, वाई की एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आई ना, इसके लिए हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा आया है, हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन आया है। यूनिक क्या नाम हमको यूज़ करना है, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइनें कटेंगी तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, और उसको हम लोग क्या पढ़ा करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। जब लाइन पैरेलल हो जाएगी तो कभी कटेंगी क्या, पैरेलल लाइन की खासियत ही यही होती है कि दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा हर जगह, ये कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं कटेंगी, तो अगर मिलेंगी नहीं तो कटेंगी नहीं, और कटेंगी नहीं तो कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं। तो इसको हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि कहीं पर कटेंगे नहीं। तो जब लाइन कटेंगी तो एक सॉल्यूशन, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जब लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन जब लाइन एक के ऊपर एक आ जाएंगी तो कितनी जगह कटी, तो आंसर है जितने पॉइंट तुम खोज सकते हो, लाखों करोड़ों पॉइंट खोज सकते हो, अरबों पॉइंट खोज सकते हो, हर पॉइंट दोनों लाइन पर है, और जो पॉइंट दोनों लाइन पर होता है वही तो सॉल्यूशन होता है। तो इसमें कितने पॉइंट दोनों लाइन पर हैं, आंसर है जितने आप गिन सकते हैं, इन्फिनिटी। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनाइट, या इसी को लिख देता हूँ मैं मेनी सॉल्यूशन। तो इसको आप पहचान लीजिए, ये तीन कंडीशन हमको ग्राफ में पढ़नी है,
अगर लाइन कटती है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, जहाँ पर कटेगा वही पॉइंट सॉल्यूशन का एक्स और वाई देगा। अगर लाइन नहीं कटती, पैरेलल होती हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर एक के ऊपर एक लाइन आ जाती हैं तो जितने चाहें आप उतने सॉल्यूशन निकाल लें, देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म करते हैं और पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज करेंगे ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर हम ये मेथड डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और बहुत सारे प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शुरू के जो एग्जाम्पल आने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे एग्जाम्पल और बीच बीच के ट्राई दिस के क्वेश्चन, ये कैसे क्वेश्चन होंगे? तो आंसर है ये क्वेश्चन वो होंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला। तो थोड़ी सी आपको याद दिलाने के लिए, थोड़ा आपका प्रैक्टिस कराने के लिए, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, ये अगर दो होगा तो सिर्फ आपको बोला जाएगा कि आप इक्वेशन बनाइए और छोड़ दीजिए, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो शुरू के दो चार एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको बनाना सीखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए और फिर अपन आगे चलते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन,